बुराई ते अच्छाई दी जित दा प्रतीक त्यौहार दशहरा अज देश भर दे विच मनाया जा रहा है। बुराई ते चंगियाई दी जित दा प्रतीक है त्यौहार दशहरा। इस मौके रावण दे नाल नाल देश भर दे विच मेघनाथ अते कुंभकर्ण दे पुतले भी साड़े जाणगे। अज अते दिन दी छुट्टी रहेगी। पंजाब दे विच दशहरे दे मद्देनज़र सेवा केंद्रां दे विच अद्धा दिन छुट्टी रहेगी। 24 अक्टूबर नूं सारे सेवा केंद्र सवेरे 9 बजे तों दुपहर 2 बजे तक खुलणगे। उधर किसान जथेबंदियां सरकार दा पुतला साड़ के दशहरा मना रहियां ने। किसानां दी मंग है कि फसलां दे भाव यकीनी बनाउण लई यकीनी बनाए जाण। गरंटी कानून केंद्र सरकार दीआं लगातार कारपोरेट घराणियां पक्षी अते किसान मजदूर विरोधी नीतियां दे कारण 18 संगठनां दी अगवाई दे विच भारत दे 6 राज्यां पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान कर्नाटका ते मध्य प्रदेश दे विच मोदी सरकार ते कारपोरेट घराणियां नूं बदी दा असली प्रतीक मानदे होए पुतले फूके किसानी दशहरा मनाया जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंचकूला तो साढ़े सहयोगी बजम वर्मा साढ़े नाल लाइव जुड़ चुके हैं। पंचकूला का रुख करांगे ते बजम साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। बजम, तुसीं इस वक्त पंचकूला खड़े हुए ने, किस तरह दी तैयारी ने ते की कुछ उत्साह लोगों दे विच है? बिल्कुल, सब तो पहले तुहानूं दिखा दईए ट्राई सिटी का, या कह लईए देश का सब तो वड्डा रावण, 171 फीट का रावण बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस दे नाल नाल क्योंकि लखां दी तादाद च इत्थे जिहड़े लोग पहुंचणगे इस रावण दहन नूं देखण लई, अज दशहरे के पर्व नूं देखण दे लई, इस करके तैयारियां भी मुकम्मल कीतियां जा रही ने। हले तैयारियां पूरियां नहीं हुई, तैयारियां हले भी चल रही ने। एक बार पिछे मैं अपने कैमरा पर्सन नूं कहूंगा दिखाण कि कल तक जिथे बिल्कुल खाली स्टेडियम सीगा, खाली ग्राउंड सीगा, उत्थे अज स्टेज सज चुकी है। हर पासे इत्थे जिहड़ा है उह भीड़ लगण वाली है। ते नाल दे नाल सब तो वड्डी गल इह है कि सामने VVIPs लई सिटिंग अरेंजमेंट कीता गया, नाल ही VIPs लई कीता गया। ते नाल दे नाल इह जिहड़ा सारा बाकी दा एरिया, यह जो कॉमन लोग ने जो पहुंचे इतने वह देखने लिए दशहरा, वह जो है इतने तैयारी की गई है। पर सब तो वड्डी गल है कि इतने एक्साइटमेंट इन्नी है कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं इतने। सब तो पहला कुछ बच्चे भी इतने ने, क्या नाम है बेटा आपका? खुशित। खुशित, कितने खुश हो? बहुत खुश हूं। रावण देखा है पहले इतना बड़ा कभी? हाँ। कब देखा था? 2018 में, पहले यही पे देखा था। और 221 फीट का था उस टाइम पे। हाँ। और क्या, कितनी की एक्साइटमेंट होती है देख के कि हमारे शहर में ऐसा रावण बना हुआ है? बहुत एक्साइटमेंट होती है, घर की छत से भी दिखता है। अच्छा, घर की छत से दिखता है, तो घर की छत से देखोगे इस बार की यहाँ आके देखोगे? यहाँ आके। की नाम है जी अपना? अमित शर्मा। अमित जी, पहला तो केहो जा लग रहा है इतने? बहुत बढ़िया, ये पंचकूला के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हर साल यहाँ, मैं चाहता हूँ हर साल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 2018 के बाद आज काफी टाइम बाद दोबारा मतलब यहाँ हो गया और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है पंचकूला वासियों में। अच्छा। हम तो बहुत ही, मेरे बेटे ने मतलब की एक्साइटेड है बराड़े वाला रावण, जब ये चंडीगढ़ में बना था वो बड़ा मायूस हो गया था, यहाँ के लिए बना ये, तो इस बार बहुत खुश है यहाँ के लोग भी। अच्छा, आपका क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम निष्ठा है। निष्ठा, रावण देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले भी देखा इतना बड़ा रावण? हाँ। रावण को किसने मारा था? मुझे नहीं पता। किसने मारा था? राम जी। अच्छा, राम जी के छोटे भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण। चलो, पिछो पापा भी दस रहे ने नाल नाल। अच्छा, बेटे नहीं है पर ऐसे एक्साइटमेंट जरूर है, और भी फैमिलीज पहुंची हुई है। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं 29 सेक्टर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ वाले आज यहाँ आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं। कारण लग रहा है कि आने का वर्थ इट है? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, हाँ जी। कैसा लग रहा है रावण देख के? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। शाम को भी देखा था, लाइटें जगी हुई थी? शाम को नहीं, मैं आया था, आज ही सुबह आए हैं बच्चों के साथ। शाम को भी यहीं पे रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। चंडीगढ़ छोड़ के आए स्पेशली? हाँ जी, स्पेशल आए हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं सर? क्या नाम है आपका बेटा? इधर तो आओ। क्या? तेजस। देवांश। देवांश, देवांश सुनो तो सही, इधर देवांश थोड़े शर्मा गए ने इस वक्त। ते एक खूबसूरत तस्वीर है कि लोग चंडीगढ़ तो वक्त-वक्त होर शहरां तो जड़ा है वो इत्थे पहुंच रहे ने, सिर्फ इस करके हुणे क्योंकि इत्थे 1 बजे जड़ा हैगा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाने हैं 4 बजे तक। 4 बजे तो लैके 5 बजे तक जड़ी है इत्थे आतिशबाजी होनी है, क्योंकि एक पासे रावण की सेना तो दूजे पासे पुरशोत्तम रामचंद्र जी सेना जड़ी है पहुंचेगी। महायुद्ध इत्थे होएगा, जिस तो बाद करीब 6 बजे जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि रावण दहन जिहड़ा है कीता जाएगा। पर बड़ी वधिया गल इह होएगी कि रावण दहन कित्थों शुरू होएगा। सब तो पहले मैं एक बार दस दिंदा तुहानूं कि उत्तों बिल्कुल उत्तों जिथे छत्र लाया गया रावण का, उत्थों जिहड़ा हैगा वह छत्र घूमना शुरू होएगा।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੱਜਦੇ 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 ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2018 'ਚ 221 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 5 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ਮ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਨੇਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 177 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰਾਵਣ ਮੇਘਨਾਥ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇਖਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਮੇਘਨਾਥ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ।